नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो IEEE 802.11 प्रोजेक्ट है। IEEE ने कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं मुख्तलिफ नेटवर्क्स के लिए, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के लिए। IEEE ने कुछ स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं, उनके नंबर हैं। जैसे वायर्ड नेटवर्क है, वायर्ड नेटवर्क के लिए भी एक नंबर है, यानी उसका स्टैंडर्ड है जिसकी स्पेसिफिकेशन आप इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आपके सामने स्टैंडर्ड होगा IEEE का, उसकी स्पेसिफिकेशन इंटरनेट पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं IEEE के बिहाफ पर। ठीक है, तो जो वायर्ड नेटवर्क होता है उसका स्टैंडर्ड बता सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड कौन सा है IEEE का? ये आपके सामने जो लिखा हुआ ना 802.11, ये बेसिकली वायरलेस नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। क्या आप बता सकते हैं वायर्ड नेटवर्क में कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, कौन सी स्पेसिफिकेशन यूज होती है IEEE की? क्यों भाई बता सकते हैं? 802.3। ठीक है जी, तो वायरलेस नेटवर्क के लिए 802.11 है, और इस स्टैंडर्ड को हम इसकी स्पेसिफिकेशन को वायरलेस इथरनेट भी बोलते हैं, या वायरलेस फिडेलिटी भी बोलते हैं, और सिंपली वाईफाई भी बोलते हैं। तो मुख्तलिफ इसके नाम है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है वायरलेस नेटवर्क के लिए 802.11, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स भी आए हैं। 802.11a, 11b, 11g, 11n, ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हैं इसमें। और इस वक्त जो लेटेस्ट है 802.11, कोई बता सकता है लेटेस्ट कौन सा फ्लेवर है? मैंने ही बताया कि इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं या मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं। 802.11 की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उनमें एक जो लेटेस्ट है उसको हम बोलते हैं AC, 802.11 AC। ठीक है, वो लेटेस्ट, और बाकी इसके मुख्तलिफ अवकात में, एक मिनट मैं देख लेता हूँ चैट में कुछ लोग। अच्छा प्रेजेंट आ रहे, अच्छा ठीक है जी। स्टैंडर्ड किस तरह के बनाए हैं उन्होंने? ये उन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है ना कि इसकी स्पीड क्या होगी, डाटा रेट क्या होगा, और कनेक्टिविटी क्या होगी, किस तरह से आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्पेसिफिकेशन में क्या चीजें शामिल है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्किटेक्चर, वायरलेस नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है जी। वायरलेस नेटवर्क्स में सबसे पहले बेसिक जो चीज होती है उसको हम कहते हैं BSS, BSS द बेसिक सर्विस सेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट उसका एक नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं ESS, द एक्सटेंडेड सर्विस सेट। दो तरह के सर्विस सेट होते हैं, एक बेसिक और एक एक्सटेंडेड। बेसिक सर्विस सेट एक ऐसा सर्विस सेट होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है वायरलेस का, ऐसा नेटवर्क होता है कि जिसमें आप जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था एडहॉक नेटवर्क या आइसोलेटेड नेटवर्क पढ़ा था, याद है? आइसोलेटेड या एडहॉक नेटवर्क पढ़ा था आपने। तो जो बेसिक सर्विस सेट होता है वो भी एडहॉक नेटवर्क होता है, उसमें आपका एक्सेस पॉइंट यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब आपने वायरलेसली कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है सारी की सारी, तो आपके पास जो नेटवर्क बनता है एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको हम आइसोलेटेड एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, एक्सेस पॉइंट के बिहाव पर आप केबल आप अटैच कर देते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क से आप कनेक्ट कर देते हैं, वायर के साथ आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उस वक्त जो आपका BSS होता है या उसको हम एडहॉक नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में। ठीक है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम वायर वायरलेस के साथ साथ वायर भी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो BSS हैं, एक BSS विदाउट एक्सेस पॉइंट है और एक विद एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, क्लियर?
एक्सेस पॉइंट को हम सेंट्रल नोड या सेंट्रल पॉइंट या दूसरे लफ्ज में प्राइमरी डिवाइस भी बोलते हैं। क्लियर सर? ये BASS हमारे पास एडहॉक नेटवर्क ही होता है जी। एडहॉक नेटवर्क हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है किसी और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है? क्लियर? यस सर। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एक्सटेंडेड सर्विस सेट है। एक्सटेंडेड सर्विस सेट का मतलब ये होता है जिस ऐसा नेटवर्क जिसमें दो या दो से ज्यादा BSS आपस में कनेक्टेड हो, दो या दो से ज्यादा BSS आपस में कनेक्टेड हो। और ये कौन से BSS होंगे बता सकता है कोई? यानी ESS डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन से BSS चाहिए? सारे एडहॉक BSS चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर BSS चाहिए? सर दोनों हो सकते हैं। दोनों नहीं हो सकते, उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो एडहॉक नेटवर्क है उसमें तो वायर यूज ही नहीं होनी, ठीक है? उसमें तो वायर यूज ही नहीं होनी। जिसमें वायर यूज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब आप एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से ज्वाइन करते हैं तो लाजमी तौर पर आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए। एक वायरलेस नेटवर्क को आपने दूसरे वायरलेस नेटवर्क से ज्वाइन करना है तो आपको लाजमी तौर पर एक वायर चाहिए या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है? तो मोस्टली आपके पास जो कनेक्टिविटी होगी वो क्या होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर BSS होंगे और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे और दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड सर्विस सेट। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड सर्विस सेट। क्लियर? भाई क्लियर है? इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एग्जांपल में आप यूं कंसीडर करें कि आपका जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अगर एक नेटवर्क बना हुआ है तो वहाँ पे एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, तो उस वक्त उस कंप्यूटर साइंस का जो नेटवर्क है उसको हम BSS ऑफ कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं, या यूं कह लें कि यूसफ ब्लॉक में एक नेटवर्क है, वायरलेस का नेटवर्क है, उसको BSS ऑफ यूसफ ब्लॉक कह सकते हैं। बोलो यार। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, खामोश हो गए हैं सारे। दोबारा बताना है। ये तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग। आप यूं कह लें कि मैंने आपको ये कहा है कि GC यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है और उस कैंपस के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर अपना अपना एक वायरलेस नेटवर्क है, ऐसे ही है? यस सर। क्या यूसफ ब्लॉक में जो वायरलेस का नेटवर्क है उसको हम BSS ऑफ यूसफ ब्लॉक कह सकते हैं? यस सर, कह सकते। इसी तरह साइंस ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक का जो वायरलेस नेटवर्क है उसको हम BSS ऑफ साइंस ब्लॉक कह सकते हैं? यस सर, कह सकते। और इसी तरह से आपके पास क्या है जी, तकबीर ब्लॉक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्लॉक, कायद आजम ब्लॉक और इसी तरह से मोहम्मद अली ब्लॉक, ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स हैं और इनके इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर वायरलेस नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, तो क्या उनको हम BSS ऑफ डेट ब्लॉक कह सकते हैं? BSS ऑफ अली ब्लॉक, BSS ऑफ तकबीर ब्लॉक। यस सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? यस सर। कनेक्टेड कैसे हैं आपस में? कनेक्टेड कैसे हैं सर? वायर से। वायर के साथ। वो कहाँ पे कनेक्शन इनका कहाँ पे है?
की कनेक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, तमाम ब्लॉक्स की कनेक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? आईटी सर्वर रूम में स्विचेस वगैरह लगे हुए, राउटर वगैरह लगे हुए हैं, स्विचेस में जाके ये कनेक्ट होते हैं और तमाम नेटवर्क, तमाम जितने भी बीएसएस हैं वो सारे के सारे आईटी सर्वर रूम में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से एज ए होल जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो हम आईटी सर्विसेज का रूम कह सकते हैं। यस सर, कह सकते हैं। तो इस इन इन पूरे इस पूरे नेटवर्क को हम कह सकते हैं ईएसएस ऑफ जीसीयूएफ मेन कैंपस। यस सर, ईएसएस एक्सटेंडेड सर्विस सेट ऑफ जीसीयूएफ मेन कैंपस, मेन कैंपस का ईएसएस। बिल्कुल ठीक है, उसमें तमाम ब्लॉक अलग-अलग से बीएसएस कहला रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस सर। अच्छा, इसी तरह से आपके पास न्यू कैंपस है, तो न्यू कैंपस में भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, उधर भी एक आईटी रूम है, आईटी सर्वर रूम उधर भी है, तो तमाम के तमाम ब्लॉक्स वायरलेस कनेक्टिविटी जब उनकी होती है, और वो कनेक्ट किससे हैं? आईटी सर्वर रूम ऑफ न्यू ब्लॉक न्यू कैंपस, ऐसे है ना? यस सर। न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस आपस में कनेक्टेड है। न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस, हाँ, आपस में कनेक्टेड है ना वायरलेस के थ्रू। जी सर, कनेक्टेड है, टावर लगे हुए हैं वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, और टावर के साथ वायर होती है, वो स्विच रूम में जाती है, वो आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह से दो ईएसएस आपस में कनेक्ट हो गए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना। इसको आप दूसरे सिनेरियो में देखें, मोबाइल टेक्नोलॉजी के सिनेरियो में देखें, क्या मल्टीपल मोबाइल एक टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं? आपके करीबी टावर जो भी है, जो भी जिस कंपनी का भी टावर लगा हुआ, आप लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं? यस सर, सिम के हवाले से, अगर मोबलिंग का टावर है, जैज वालों का टावर है, तो आपके पास जैज की सिम है, जैज के जितने भी उधर मोबाइल डिवाइसेस हो गए या सिम्स जितनी भी यूज हो रही होंगी, वो करीबी जो भी टावर होगा उसके साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही है ना? यस सर। तो वो आपका क्या है? बीएसएस, उस एरिया का बीएसएस। सपोज करें कि मैं अगर हूँ गुल्फशा में, तो गुल्फशा का जो टावर है तो वो बीएसएस कहलाएगा गुल्फशा का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आता हूँ इधर गुलबर्ग में आता हूँ, तो गुलबर्ग में भी एक टावर लगा हुआ है सपोज, तो वहाँ भी एक बीएसएस बन गया, ऐसे ही है ना? एक बीएसएस वहाँ पे बन गया। तो मल्टीपल बीएसएस कनेक्ट होते हैं बीएससी में, बेस स्टेशन कंट्रोलर में, मल्टीपल बीएसएस बीएससी में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। और मल्टीपल बेस स्टेशन कंट्रोलर कनेक्ट होते हैं एमएससी के साथ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ, जो हर कंपनी का एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है हर शहर के अंदर, जिसको हम एमएससी बोलते हैं या हेड ऑफिस बोलते हैं, या यूं कह लें मेन एक्सचेंज जहां पे लगी होती है, जहां पे आपका नेटवर्क पूरे का पूरा एस्टेब्लिश होता है। तो इस तरह से मल्टीपल बीएसएस मिलकर आपस में एक ईएसएस बनाते हैं, और मल्टीपल ईएसएस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जितने भी बीएसएस कनेक्टेड हैं, थ्रू किससे कनेक्ट है? कनेक्टिविटी किस बिहाफ पर हो रही है? राउटर।
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से इंटरकनेक्टेड। नहीं ये क्या चीज है, ये वाले ये क्या चीज है, ये व्हिच इज सर, ये सर एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट है हर बीएसएस जो एड हॉक नेटवर्क पहले हमने देखा था, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हमने देखा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में लाजमी तौर पर एक वायर यूज होनी है, तो वायर के लिए हम एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट को यूज करते हुए हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, क्लियर। तो मल्टीपल बीएसएस कनेक्ट हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ, और इसको एज ए होल क्या हम कहते हैं, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, क्या कहते हैं, ESS, क्लियर, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेशंस की टाइप्स होती हैं, यानी जो डिवाइसेस हैं मोबाइल डिवाइसेस उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक डिवाइस को हम कहते हैं नो ट्रांजिशन, उसकी मोबिलिटी को देखते हुए हम उसकी टाइप मेंशन करते हैं, यानी मोबिलिटी को देखते हुए कि एक डिवाइस किस तरह से मूव होता है उसको देखते हुए हम उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है नो ट्रांजिशन। नो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि एक डिवाइस अपने बीएसएस के अंदर रहता है और उसी में मूव करता है और किसी दूसरे बीएसएस में मूव नहीं करता, नहीं उसकी जो मोबिलिटी है विद इन अ बीएसएस होती है, उसको हम कहते हैं नो ट्रांजिशन स्टेशन। इसी तरह ये रिपीट करना है, ये बोल अगर एक डिवाइस अपने बीएसएस के अंदर ही मूव करता है, किसी दूसरे बी एस एस में मूव नहीं करता, तो लिहाजा उसको हम कहते हैं नो ट्रांजिशन स्टेशन टाइप, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आप अगर यूसफ ब्लॉक में ही आते हैं और अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो वायरलेस कनेक्टिविटी आप परफॉर्म कर लेते हैं, आप उसी यूसफ ब्लॉक के अंदर रहते हैं, कभी आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, कभी आप सेकेंड फ्लोर पे, कभी आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, तो आप उसी जगह पे इंटरनेट यूज करते हैं और कहीं यूनिवर्सिटी में इंटरनेट यूज नहीं करते, तो उस वक्त आपका जो स्टेशन कहलाएगा उसको हम कहते हैं नो ट्रांजिशन स्टेशन, ठीक है। यस सर। बाज़गात ऐसा होता है कि आप अपने जब आपकी क्लास नहीं होती तो आप लोग वहां से निकलते हैं और कुछ लेक्चर या कुछ जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है इंटरनेट की बेस पर, लेकिन आप अपने ब्लॉक से निकल के किसी दूसरे ब्लॉक में चले जाते हैं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो अपने ब्लॉक के अंदर, अगर कोई दोस्त यार मिलता है तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप अलहदा से लाइब्रेरी वाली साइड पे कभी बैठे होते हैं, कभी आप दूसरे ब्लॉक में आप चले जाते हैं और वहां पे बैठ के पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप एक बीएसएस से निकलकर दूसरे बीएसएस की तरफ मूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बीएसएस ट्रांजिशन। इस पॉइंट की समझ आई है? यस सर। यस। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक ईएसएस से निकलकर दूसरे ईएसएस में चले जाएं, जैसे आप ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस चले जाएं या न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस में आ जाएं, तो उस वक्त जो ट्रांजिशन होती है आपकी उसको हम कहते हैं ESS ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? उस वक्त जो आपका स्टेशन कहलाता है ESS ट्रांजिशन स्टेशन कहलाता है, कि वो एक ESS से निकलकर दूसरे ESS में मूव हो जाता है और दोबारा से कनेक्टिविटी उसको करनी पड़ती है नए सिरे से। जैसे आप न्यू कैंपस चले जाएं वहां पे भी GCU यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, ओल्ड कैंपस आ जाए वहां पे भी जीसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। कनेक्टिविटी तो सर नहीं करनी पड़ेगी, ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं ना, एक बार आपने कनेक्टिविटी करवाई हुई उसके बाद तो ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। जी सर। ऐसे ही है ना? यस सर। इसको अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी में लेके चलें तो मोबाइल टेक्नोलॉजी, आज अभी आप बैठे हुए अपने घर पे, जहाँ पे भी आपका घर है वो एरिया आपका, उस एरिया का जो टावर है वो आपका बीएसएस कहलाता है एक लिहाज से। आप वहां से उठ के किसी और लोकेशन पे आप चले जाते हैं तब भी आपको नेटवर्क मिलता है, तब भी आपकी कनेक्टिविटी रहती है, तो उस वक्त आप एक बीएसएस से दूसरे बीएसएस में चले गए। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं मोबाइल अपना लेके, तो कनेक्टिविटी तब भी रहती है आपकी,
तो इसका मतलब एक ESS से निकल के दूसरे ESS में आप चले गए तब भी आपको कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं होता। तो लिहाजा इस तरह से आपके जो मोबाइल हैं या आपके जो वायरलेस स्टेशन हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नो ट्रांजिशन, BSS ट्रांजिशन और ESS ट्रांजिशन। क्लियर? ओके सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई पॉइंट पूछना हो? बताएं। नहीं सर, लग गया था। बाकी लोग? यस सर, समझ आ गया। चलें आज के दिन इतना ही रखें, बाकी फिर नेक्स्ट हम करेंगे इसको। यस सर।